बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हर साल करीब लाखों लोग अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। ये बीमारी को किसी की दौलत या शौहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड के काफी सितारे भी इस बीमारी का शिकार हुए हैं और आज हम आपको उन कलाकारों के बारे में बताएंगे जिनको बॉलीवुड ने कैंसर के कारण खोया है। नरगिस। बहुत कम लोग जानते थे कि नरगिस हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो बने एक एक्ट्रेस। इसीलिए अपनी माँ की बात मानते हुए नरगिस ने रखा कदम फिल्म इंडस्ट्री में और किया लोगों को दीवाना अपने किरदारों से। लेकिन 1980 में नरगिस को पता चला कि उनको हो गई है कैंसर की बीमारी। काफी टाइम तक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इलाज करने के बाद भी नरगिस की सेहत में कोई सुधार नहीं आया और 3 मई 1981 में बॉलीवुड ने एक होनहार कलाकार नरगिस को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना। इन्हें माना जाता था बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार। राजेश खन्ना ने अपने 25 साल के फिल्मी करियर में करीबन 160 मूवीज दी है और एक समय तो ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना ने एक साथ 15 मेगा हिट फिल्म्स दी, पर यहीं से स्टार्ट हुआ उनका डाउनफॉल। सक्सेस के चलते उन्हें हो गई थी शराब की बुरी आदत और बस इसी आदत से राजेश खन्ना को हुई एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था। राजेश खन्ना ने काफी साल तक लिवर कैंसर से लड़ाई लड़ी, पर 2012 में आखिरकार वो कैंसर की लड़ाई में हार ही गए। विनोद खन्ना। विनोद खन्ना थे एक जबरदस्त एक्टर और सबके चहेते विलन। उन्होंने बॉलीवुड में 100 से भी ज्यादा सुपरहिट फिल्म्स दी हैं, पर विनोद खन्ना भी लड़ रहे थे कैंसर की बीमारी से। खबरें थी कि उन्हें था ब्लैडर कैंसर। काफी लंबे समय तक ये बीमारी से लड़ने के बाद विनोद खन्ना ने भी दम तोड़ दिया साल 2017 में और 70 की उम्र में अपने फैंस को अलविदा कह गए, पर आज तक ये चेहरे को बड़े पर्दे पर काफी याद किया जाता है। इरफान खान। टैलेंट से भरपूर इरफान खान ने बनाया था बॉलीवुड में अपना रास्ता अपनी मेहनत से। इन्होंने बॉलीवुड ही नहीं पर हॉलीवुड के लोगों को भी किया अपनी एक्टिंग से दीवाना। गरीब घर के रहने वाले इरफान जिंदगी में काफी कठिनाइयों से गुजरे थे, पर 2018 में हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। इरफान को पता चला कि उन्हें है एक अनोखा टाइप का कैंसर जिसका शायद ही इस दुनिया में कोई इलाज है। पर 2 साल तक इरफान ने लंदन में रहकर अपना इलाज करवाया और कुछ समय के लिए ठीक होके इंडिया भी लौटे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद 29 अप्रैल 2020 में इरफान खान उसी कैंसर की लड़ाई में हार गए। ऋषि कपूर। ऋषि कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में सबका दिल जीत लिया था। उनकी कई फिल्में आज भी लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है, पर 2018 में ऋषि कपूर को हुआ एक खतरनाक कैंसर। इस कैंसर का नाम था ल्यूकेमिया। काफी समय तक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इलाज कराने के बाद ऋषि जी की बीमारी में हुआ सुधार, पर इंडिया लौटने के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत वापस बहुत खराब हो गई और 30 अप्रैल 2020 में ऋषि कपूर ने अपनी अंतिम सांसें ली और बॉलीवुड के सभी एक्टर्स इकट्ठे हुए इस शानदार कलाकार ऋषि कपूर को अलविदा कहने के लिए। ये सभी सितारे हमारे जिंदगी में एक ऐसा दौर लेकर आए जिसे हम चाहे भी तो कभी ना भूल पाएंगे। आज वो हमसे भले ही दूर चले गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे।